आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज पर। देखते आज की कुछ खास खबरें। फडणवीस दोबारा बने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, एनसीपी के अजीत पवार बने डिप्टी सीएम। शनिवार सुबह बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस ने दोबारा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जबकि एनसीपी के प्रमुख शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। अजीत ने कहा, महाराष्ट्र में चुनाव के एक महीने बाद भी कोई पार्टी सरकार नहीं बना पा रही थी, स्थिर सरकार के लिए बीजेपी एनसीपी ने हाथ मिलाया है। बता दें, महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने दिलाई है शपथ। पीएम मोदी और शाह ने फडणवीस को महाराष्ट्र सीएम व पवार को डिप्टी सीएम बनाने पर दी बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजित पवार को उप मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। महाराष्ट्र में बीजेपी को समर्थन देने का फैसला अजित का है, एनसीपी का नहीं, शरद पवार। एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए बीजेपी का समर्थन करने के अपने भतीजे अजित पवार के फैसले पर कहा है, यह उनका निजी फैसला है, एनसीपी का नहीं। उन्होंने कहा, हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि हम बीजेपी के साथ जाने के अजित के इस फैसले का समर्थन नहीं करते हैं। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखें और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर, हाइक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार।